पे आते हैं तो यहाँ पे ये एनएक्स कैम ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ही, यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। इसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको इस टाइप से इसका इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेन्यू बार इसका यहाँ पे मिलेगा आपको, और फाइल यहाँ पे दे रखी है, और यहाँ पे भी ये रिबन दे रखा है। इस रिबन के अंदर आपके कुछ टूल्स दिए हुए हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इधर रिसोर्स बार दे रखे हैं, यहाँ पे ओपन है जो हिस्ट्री जो आपने लास्ट ओपन किए होंगे वो कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएंगे, और इस टाइप से ही कुछ लाइब्रेरी दे रखी है, और कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्प का दे रखा है, वेब ब्राउजिंग दे रखी है। इस टाइप से यहाँ पे आपको टूल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे जो मैंने लास्ट कंपोनेंट बनाए हैं, डिज़ाइन किए हैं, वो यहाँ पे मेरे को शो होते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से न्यू में जाते हैं, और न्यू में जाने के बाद यहाँ पे ऊपर भी काफ़ी सारे टैब आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर मॉडल में जाते हैं, और मॉडल के अंदर आप यूनिट सेट कर सकते हैं, आपको मिलीमीटर में चाहिए, इंचेस में चाहिए, किस में लेना चाहते हैं यूनिट आप चेंज कर सकते हैं। अभी हम पार्ट डिज़ाइन में काम करने वाले हैं, सॉलिड मॉडलिंग करेंगे तो मॉडल में जाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मॉडलिंग के अंदर आता है। और इसके अलावा अगर आपको असेंबली करनी है या शेप स्टूडियो सरफेसिंग में काम करना है, शीट मेटल में, तो बाकी ऑप्शन में नीचे गिवन है। आपको पार्ट का नाम सेव करना है, पार्ट का नाम जो भी आप लेने वाले हैं शुरू में ले लीजिए, यहाँ से आप पार्ट का नाम ले सकते हैं। और फोल्डर कहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं ना, आप यहाँ से फोल्डर चेंज करके डेस्कटॉप पे या जहाँ पे भी लेना चाहते हैं इसे ओके कर देते हैं, और इसका नाम हम कुछ कर देते हैं मॉडल वन, और करिए इसे ओके। ओके करने के बाद इस टाइप से बाय डिफॉल्ट जो एनएक्स है उसका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे ये जो शो हो रहा है आपको, ये क्विक एक्सेस की टूल बार है। यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स जो आपको क्विकली काम आते हैं, वो जो सेव करने का है, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, और ये लास्ट ओपन जो लास्ट कमांड आपने यूज़ की होगी वो कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। विंडो को स्विच कर सकते हैं, विंडो का ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाएंगे आप तो यहाँ पे मेन्यू बार आपको इस तरफ मिलेगा। ये सारा का सारा आपका मेन्यू बार है, ये टूल बार्स हैं सारी की सारी, यहाँ से टूल बार आप ले सकते हैं। और ये जो देखेंगे ये हमारा ड्राइंग विंडो है, यहाँ पे ड्राइंग आप बना सकते हैं, इनफाइनाइट स्पेस है। ये वाला जो शो रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको बोलते हैं वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, WCS यहाँ पे आएगा। इधर रिसोर्सेज शो होता ही है, पार्ट नेविगेटर, यहाँ पे पार्ट नेविगेटर है। तो ये सब चीज़ के बेसिक थे। अब इसके अंदर हम जब स्टार्ट करते हैं कुछ बनाना, तो हमारे पास क्या है, आप यहाँ से या तो डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से स्केच लेके स्केचर मोड में जा सकते हैं। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे बाय डिफॉल्ट ये आ जाएगा एक विंडो। इस विंडो के अंदर आपको डिफाइन करना है आप कहाँ पे काम करने वाले हैं। आपको एक प्लेन सेलेक्ट करना है, प्लेन सेलेक्ट करिए, प्लेन आ गया। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद स्केच का ओरिएंटेशन पूछा है, स्केच का ओरिएंटेशन यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी लेंगे, यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर रखा है तो जिसको मैं सेलेक्ट करूँगा वो मेरा हॉरिजॉन्टल होने वाला है। इसको पिक करता हूँ ताकि ये मेरा हॉरिजॉन्टल हो जाए, और जैसा मुझे दिख रहा है सेम ऐसा जैसा आ जाएगा। और ओके यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद बाय डिफॉल्ट ही जो ये प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल वाला अपने आप ही हाईलाइट होके ही मिलेगा आपको। अब यहाँ से देखेंगे तो, और माउस के पास देखिए आपके यहाँ पे शो हो रहा होगा एक्स वाई, ये एक्स वाई ना क्वाड्रेंट शो कर रहा है कि आप कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा हमारे पास एक मोड ये है पैरामीटर मोड में आके आप लेंथ और एंगल ले सकते हैं। आपने क्लिक किया तो यहाँ से जाइए, लेंथ लिखी हुई आ रही है और एंगल लिखा हुआ है, आप डिफाइन कर दीजिए कितना चाहिए। 100 की मेरे को लेंथ चाहिए, टैप प्रेस करेंगे तो सेकंड वाले पर जाएंगे, और एंगल कितना चाहिए 45 का चाहिए, और एंटर कर दीजिए, ये लाइन आपकी ड्रा हो जाएगी, ठीक है। आगे नहीं चाहिए तो मिडिल क्लिक, मिडिल क्लिक बहुत काम का, इसके अंदर आपको काफ़ी यूज़ करना पड़ेगा। माउस में मिडिल बटन जो है उसे प्रेस करेंगे तो ये ओके हो जाएगा, या यहाँ से आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं, या यहाँ से आप ले लीजिए आर्क, आर्क के लिए आर्क आ जाएगा, इसके साथ आर्क भी बना सकते हैं आप, लाइन आ गया। फिर चाहिए यहाँ पे जाइए, क्लिक फिनिश हो जाएगा, आगे नीचे मिडिल क्लिक, आपको आगे नीचे मिडिल क्लिक कर दीजिए, फिनिश हो जाएगा। तो इस टाइप से स्केचर आ गया, कुछ डायमेंशन के अंदर करी भी आ रही है, जो मैंने डिफाइन करी थी वो हमारी डायमेंशन थी, ब्लू कलर से आ रही है। जो वीक डायमेंशन है जिनको मैंने डिफाइन नहीं किया है वो ग्रे कलर से आ रही है। इसके बाद बाकी ऑप्शन फिर इधर आते हैं, उनको देखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे सपोज अगला प्रोफाइल से अगला यहाँ पे रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल में जाइए। रेक्टेंगल के अंदर भी हमारे पास तीन ऑप्शन है, रेक्टेंगल मतलब तीन है। इसके अंदर तो दो कॉर्नर स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड,
दो कॉर्नर स्पेसिफाई करेंगे आ जाएगा, यहाँ से फर्स्ट कॉर्नर सेकंड कॉर्नर आ जाएगा, मिडिल क्लिक करेंगे ओके हो जाएगा और इसको सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और डिलीट, छोटा करा मैंने पूरे को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक को प्रेस करेंगे और स्किप कर दीजिए। यहाँ से डिलीट करते जाइए, डिलीट हो जाएगा, सिलेक्ट करिए डिलीट, सिलेक्ट करिए और इधर लेफ्ट में जैसे लेके जाएंगे डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो गया। और राइट को जब कुछ भी आपके पास नहीं है उस टाइम अगर आप राइट क्लिक करो प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फिट, ये ऑटोमेटिकली इसको फिट कर देगा। तो रेक्टेंगल में जाते हैं, रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पे है हमारे पास बाय थ्री पॉइंट, थ्री पॉइंट ऑप्शन के थ्रू फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट ये, तीसरा है, थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा। तो ये समथिंग लाइक सम ओरिएंटेशन रेक्टेंगल, ओरिएंटेड रेक्टेंगल, आप ओरिएंटेशन इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से गए नीचे की तरफ आना चाहिए तो ओरिएंटेशन हम इसके अंदर खुद डिफाइन कर सकते हैं। ये वाला ये बहुत काम का है, फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर रेक्टेंगल है, पहले हमने सेंटर डिफाइन किया फिर इसकी लेंथ या ब्रेथ, फिर ब्रेथ या लेंथ, क्लिक कर दीजिए आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा। फिर आता लाइन, ये लाइन जो है सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन एक लाइन होंगे, फिर आगे बनाइए अगली लाइन, तो सिंगल लाइन बनती जाएगी, सिंगल लाइन है वो जो आपके है प्रोफाइल, वो कंटिन्यूस लाइन है, ये वाली सिंगल लाइन है। इसके बाद आते हैं आर्क, आर्क में फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, थ्री पॉइंट आपको डिफाइन करने पड़ेंगे आ जाएगा। फिर ये वाला है, ये सेंटर के अबाउट है, आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा सेंटर पॉइंट कौन सा है, स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, ये आपका सर्कल बन जाएगा, सर्कल सॉरी आर्क बन जाएगा। आर्क के बाद आते हैं हम यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर सर्कल ले सकते हैं, सर्कल के अंदर दो मेथड है, सेंटर के अबाउट और फिर डायमीटर बोल रहा है, आप डायमीटर ऐसे टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड से, 80 का डायमीटर का सर्कल आ जाएगा, यही जो आपने एक बार डिफाइन कर दिया, अब इसका 80 ही बाय डिफॉल्ट लेता रहेगा। आपको अगर मल्टीपल यूज़ करना है तो आप इसे मल्टीपल यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सर्कल बाय थ्री पॉइंट, थ्री पॉइंट डिफाइन करके आप इसको सर्कल को भी बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने सपोज ये सिलेक्ट कर लिया, सेकंड पॉइंट मैं ये लेना चाहता हूँ और थर्ड पॉइंट के लिए हम क्लिक करते हैं डायमेंशन, आपको डायमेंशन इंटर करनी ही पड़ेगी। सपोज हमने लिया यहाँ से 50 लिया तो दो पॉइंट हमने डिफाइन कर लिए, दो पॉइंट डिफाइन करेंगे और डायमेंशन ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। पॉइंट है, पॉइंट लेके स्पेसिफिक पॉइंट कहाँ पे चाहिए क्लिक करते हैं, पॉइंट आता जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जैसा डायमेंशन शो हो रही है, अगर आप चाहते हैं डायमेंशन शो नहीं होनी चाहिए तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाके डिस्प्ले ऑटो डायमेंशन को ऑफ कर दीजिए, डायमेंशन आगे बंद हो जाएगी, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शो होना चाहिए, ये अच्छी बात है क्योंकि आपको बाद में डायमेंशन तो लेनी ही पड़ेगी। पॉइंट आ जाता है, पॉइंट के बाद फिर हम इधर चलते हैं स्टूडियो प्लान, तो उसको पहले जो हमने बनाया है इस सबको डिलीट कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट बीच में सेलेक्ट हो गया इसलिए नहीं ले रहा है, सेलेक्ट करिए और डिलीट, जैसे सेलेक्ट किया और ये डिलीट डिलीट डिलीट, डिलीट सबको डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो गया और फिट करने के लिए मैंने बताया था इधर आ जाइए फिट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला यहाँ से चलते हैं पॉलीगन, पॉलीगन लेते हैं, सेंटर पॉइंट बोला है, सेंटर पॉइंट मैंने कुछ यहाँ पे क्लिक किया और रेडियस बोल रहा है, रोटेशन एंगल बोल रहा है, जो भी आपको डिफाइन करना है क्लिक कर दीजिए, क्लिक बन गया हमारा पॉलीगन, पॉलीगन बन गया। इसके बाद फिर दोबारा से अगर आपको चाहिए नंबर साइज इंक्रीज कर दीजिए, 7 चाहिए 7 साइज का ले लीजिए, 7 साइड का जाएगा, यहाँ से कम करना चाहते हैं 5 साइड का चाहिए 5 साइड का ले लीजिए, 5 साइड का आ जाएगा। इसके अंदर फिर इंस्क्राइब का ऑप्शन आ रहा है, सर्कमस्क्राइब का आ रहा है, साइड लेंथ आ रहा है, तीन ऑप्शन आ रहे हैं, इन तीनों को भी देख लेते हैं। मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया और एक सर्कल को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ और फर्स्ट ऑप्शन सर्कल का, और इसका रेडियस कितना होना चाहिए, मैंने 40 का इसका रेडियस ले लिया। अब इसके अंदर मेरे को पॉलीगन बनाना है तो पॉलीगन में जाता हूँ और सेंटर पॉइंट ये वाला है मेरा सेंटर पॉइंट। अब यहाँ पे हमने इंस्क्राइब ले रखा है और अगर आप जाके सर्किल पे, अगर आप जाएंगे यहाँ से स्पेसिफिक पॉइंट और कितने का सर्कल था ये 40 का, आप यहाँ से डाल दीजिए रेडियस 20 का, 20 का डाला और एंटर कर दिया तो ये सर्किल हमारा क्लिक इंस्क्राइब में स्टाइप से आ रहा है। अंडू करते हैं, फिर दोबारा से लेता हूँ मैं, पॉलीगन में जाएंगे, सेंटर पॉइंट कौन सा है, ये वाला हमारा सेंटर पॉइंट है और इंस्क्राइब की जगह मैंने सर्कमस्क्राइब कर दिया और सर्कमस्क्राइब करने से क्या होगा, कितने का रेडियस है 20 का, आप 20 टाइप करिए तो ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। रोटेशन एंगल चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, रोटेशन तो कैसा मैटर है नहीं,
फिर इसके अंदर एक तीसरा ऑप्शन और भी है, साइड लेंथ। साइड लेंथ लिया हमने और क्लिक करते हैं, ये आ रहा है और क्लिक करा। इसके अंदर क्या होगा, जो साइड की लेंथ है वो साइड की लेंथ यहाँ पे आ रही है, लेंथ यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। साइड की लेंथ कितनी चाहिए, 16 है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है 16। आपको यहाँ से 20 चाहिए, 20 लीजिएगा एंटर। और इसके बाद अब जो बनाएंगे वो फिर आपका 20 का ही आएगा। रोटेशन एंगल अगर आपका रोटेशन एंगल ब्लॉक है, रोटेशन एंगल ब्लॉक कर दीजिए, 0 बन गया, बाय डिफॉल्ट बन के आ गया। सो फ्रेंड्स, आज स्केचर पार्ट 1 के अंदर हमने प्रोफाइल लिखा है, रेक्टेंगल लिखा है, लाइन, आर्क, सर्कल, पॉइंट लिया है, पॉलीगन लिया है, यहाँ तक हमने कुछ टूल्स को कवर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।